अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्टडी कर रहे थे डेवलपमेंट इन एनिमल्स के, एनिमल्स के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट का मैकेनिज्म क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट को कंट्रोल करती हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और कैसे ये एक सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है डेवलपमेंट के दौरान में कि एक सिंगल सेल्ड हमारे पास जाइगोट है, और ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में, और वो अल्टीमेटली एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जाइगोट जो है एग कह लें, जाइगोट कह लें, फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि मिसाल के तौर पे आपकी आंखें कैसे बनानी हैं, आपके बाल कैसे बनाने हैं, आपके कान की शेप कैसी होनी चाहिए, नाक कहाँ पे होनी चाहिए, और आपके हाथ कितने होंगे और पांव कितने होंगे और उंगलियां कितनी होंगी। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली आपके जीनोम के अंदर लिखी हुई होती हैं। और ये जीनोम कहाँ पे होती है, ये जीनोम होती है आपके न्यूक्लियस के अंदर बंद होती है, और ये जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल के अंदर माइटोसिस या मियोसिस होती है, तो ये जीनोम जो है डीएनए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर दी जाती है नेक्स्ट इंडिविजुअल, नेक्स्ट सेल्स के अंदर। और कंप्लीट जीनोम जो है वो डिवीजन के दौरान एक सेल से जब दो सेल्स बनते हैं, तो इन दोनों सेल्स को ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर दी जाती है। अब लेकिन होता क्या है कि जब ये सेल्स पास ऑन नेक्स्ट सेल्स बनते हैं, एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो उस दौरान में सेल्स जो है ये डिफरेंशिएट होते जाते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब है कि मिसाल के तौर पे इस एक सेल ने डिवाइड करके दो सेल बनाए हैं। अब ये वाला सेल हो सकता है कि आगे चल के ये आंख बनाए, और ये वाला सेल जो है वो हो सकता है आगे चल के ये मसल बनाए। तो आंख का और मसल का फंक्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके मुकाबले में इनके अंदर जो जीनोम है, इनके अंदर जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, जो डीएनए पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल 100% आइडेंटिकल है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल जो पूरी किताब है, उसमें से सिर्फ चंद किताब, चंद सफ़े जो हैं उनको रीड किया जाता है जिनके ऊपर आँख बनाने की इंफॉर्मेशन है, और उसके मुकाबले में जो मसल बनाने की इंफॉर्मेशन है वो कुछ दूसरों डीएनए के कुछ और सफ़ों के ऊपर लिखी हुई है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन को पढ़ के उससे जो है वो उस पर काम करके उसके मुताबिक मसल्स बनाए जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि कुछ जीन्स जो हैं वो टर्न ऑफ कर दी जाती हैं, जो फंक्शन परफॉर्म करना है सिर्फ उसकी जीन्स को ऑन रखा जाएगा, बाकी जीन्स को ऑफ कर दिया जाता है। तो अब ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, इसको समझने के लिए साइंटिस्ट्स ने बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, और उनके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई कि ये काम होता कैसे है। तो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे शुरू में जो एक्सपेरिमेंट किया वो हांस डेट्रिच ने किया था। हांस डेट्रिच ने क्या किया कि इसने सी अर्चिन के एग हासिल किए। सी अर्चिन जो है ये एक काइनोडर्म है, तो उसके एग्स उसने हासिल किए, और क्या किया कि एग जब फर्टिलाइज्ड एग, सिंगल सेल्ड एग जो था, जब उसने डिवाइड करके दो सेल बनाए, तो उसने क्या किया कि दरमियान में से इन दोनों सेल्स को सेपरेट कर दिया। अब उसने देखा कि यहाँ पे ये सेलेमेंडर का एग मैंने आपको दिखाया, तो सेलेमेंडर ये फ्रॉग से मिलती जुलती चीज होती है। तो ये एक एग से जब दो सेल्स बने, ये दोनों सेल्स को अलग अलग कर दिया, तो इस सेल से एक एम्ब्रियो कंप्लीट बन गया, और ये वाले सेल से दूसरा कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया, और इससे दो अलग अलग सेलेमेंडर्स बन गए। तो हर एक जो है वो कंप्लीट लार्वा बना, और कंप्लीट जो है एडल्ट उससे हासिल हुए। तो इसका मतलब है कि जब ये सिंगल सेल, जिसके अंदर एग के सेल के अंदर जो कंप्लीट इंडिविजुअल बनाने की इंफॉर्मेशन थी, जब ये डिवाइड हुआ, तो इसने दोनों सेल्स को वो कंप्लीट कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है, ताकि वो हर सेल जो है, जिसकी वजह से वो कंप्लीट इंडिविजुअल आगे बना सकता है। ये वाला सेल एक इंडिविजुअल बना रहा है, और ये वाला सेल दूसरा इंडिविजुअल बना रहा है। इसी तरह हांस स्पीमैन ने एक्सपेरिमेंट किया सेलेमेंडर के जाइगोट्स के ऊपर। इसने क्या किया कि इसने एक जाइगोट लिया, फर्टिलाइज्ड एग लिया, और इसने इसको हेयर से, ह्यूमन हेयर की मदद से, इसने इसको दरमियान में से बांध दिया।
अब इसने क्या किया कि इसने ये जाइगोट जो है वो यहां से बांधा इस तरह से कि एक तरफ तो न्यूक्लियस मौजूद है, दूसरी तरफ न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। अब इसने देखा कि जिस तरफ न्यूक्लियस मौजूद था वहां पे तो सेल डिवाइड होता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ सेल्स बन रहे हैं, लेकिन जिस तरफ न्यूक्लियस नहीं है वो डिवाइड नहीं हो रहा, वो इसका वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है और उसके अंदर डिवीजन नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की मौजूदगी जो है वो डिवीजन के लिए जरूरी है, यानी कि सेल की डिवीजन को कंट्रोल कौन कर रहा है, सेल की डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस। फिर उसने क्या किया कि उसने ये जो फंदा था वो थोड़ा सा ढीला कर दिया और उसकी वजह से एक न्यूक्लियस जो है वो स्लिप होके और इस सेल में आ गया जहां पे पहले कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं था और उसने वो सेल अलग कर दिया। तो उसने देखा कि वो सेल बाद में दोबारा से डिवाइड हुआ और एक से दो, दो से चार का प्रोसेस जो है जब उसके अंदर न्यूक्लियस आ गया तो वो डिविजन का प्रोसेस उसके अंदर भी शुरू हो गया और वो जो है अल्टीमेटली एक कंप्लीट जो है इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया, एक कंप्लीट सेलेमेंडर से बन गया। इसी तरह उसने एक और एक्सपेरिमेंट सेलेमेंडर के ऊपर किया कि उसने एक सिंगल जाइगोट लिया, वो जाइगोट के अंदर जब डिवीजन हुई एक से दो सेल बने, तो उसी तरह उसने ह्यूमन हेयर की मदद से बड़ा बारीक सा हेयर लेके उसकी मदद से गिरा लगा के उसने दोनों सेल्स को अलग कर दिया। तो जब उसने अलग किया तो उसने देखा दोनों के अंदर न्यूक्लियस है, दोनों के अंदर फर्दर डिविजन हुई, डिवेलपमेंट हुई और वो ग्रो करके सेलेमेंडर्स बन गए। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया कि उसने ये एक जाइगोट लिया और इस जाइगोट को उसने एक से दो होने दिया, दो से फिर वो जाइगोट चार में बंडला, चार से आठ और आठ से सोलह सेल की जब स्टेज आई तो उसमें से उसने एक सेल निकाल के अलग कर दिया और उस सेल को जब उसने ग्रोथ के लिए छोड़ा तो वो ग्रो करके वो अकेला ही दोबारा से उसके अंदर डिवीजन शुरू हुई एक से दो, दो से चार और वो अल्टीमेटली एक कंप्लीट सेलेमेंडर, 16 सेल स्टेज से एक निकाला हुआ सेल जो है वो कंप्लीट सेलेमेंडर में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि एक से जब दो सेल बनते हैं तो कंप्लीट जीनोम, कंप्लीट न्यूक्लियस, कंप्लीट डीएनए पास ऑन किया जाता है, दो से चार जब होते हैं तो भी कंप्लीट कंप्लीट इंफॉर्मेशन चारों में आती है, चार से आठ जब होते हैं तो हर एक के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है और हर सेल के अंदर डिवीजन के दौरान में इतनी इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है कि उससे कंप्लीट इंडिविजुअल जो है वो बन सके। तो इसका मतलब है कि जो बॉडी के सेल्स होते हैं हर एक के अंदर कंप्लीट जीनोम, कंप्लीट इंडिविजुअल बनाने की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो अब तक के एक्सपेरिमेंट्स में हमने ये देखा कि बेसिकली जीनोम जो है वो इंडिविजुअल बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है, इन एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ। फिर उसके बाद एक और चीज नोट की लोगों ने, बाज दफा क्या होता है, उसने नोट किया कि जब वो एक सेल को दो सेल्स में डिवाइड होने के बाद अलग अलग करता है तो आमतौर पे तो ये होता है कि ठीक है एक सेल से दो इंडिविजुअल, एक सेल से जो दो सेल बने थे उन दोनों को जब अलग किया तो उससे दो इंडिविजुअल्स बन गए। लेकिन बाज दफा क्या होता है कि जब एक सेल को डिवाइड किया जाता है दो में तो उनमें से एक सेल जो है वो तो कंप्लीट इंडिविजुअल बना देता है लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं बनता बल्कि एक एबनॉर्मल सा मैस बन जाता है सेल्स का। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बाज दफा दो सेल स्टेज पे अलग करने से कंप्लीट इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, बाज दफा एक ही इंडिविजुअल बन रहा है दूसरा नहीं बन रहा। तो उसने नोट किया कि ये जो सेलेमेंडर का एम्ब्रियो है उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रीजन है जिसको उसने नाम दिया ग्रे क्रीसेंट का। ये जो लाइट ग्रे कलर का रीजन आपको नजर आ रहा है ये ग्रे क्रीसेंट एरिया, इसके अंदर कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता और जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है स्पर्म एग के साथ मिल रहा होता है तो उस वक्त ये रीजन जो है बनता है। अब जिस एम्ब्रियो के अंदर ये ग्रे क्रीसेंट वाला हिस्सा चला जाता है वो एम्ब्रियो कंप्लीटली डेवलप हो सकता है, जिसके अंदर ये ग्रे क्रीसेंट नहीं जाता, साइटोप्लाज्म का ग्रे क्रीसेंट वाला हिस्सा नहीं जाता, वो एम्ब्रियो जो है वो आगे डेवलप नहीं हो सकता। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इस सेल को यहां से काट देता हूं, इस तरह काटूं कि आधा ग्रे क्रीसेंट इस एम्ब्रियो में, इस वाले सेल में चला जाए, आधा ग्रे क्रीसेंट इस सेल में चला जाए, तो दोनों के पास ग्रे क्रीसेंट का कुछ ना कुछ हिस्सा आ रहा है,
ये दोनों डेवलप हो रहे हैं। उसके मुकाबले में अगर मैं इसको इस तरह काटता हूं कि ये इस हिस्से में ग्रे क्रीसेंट नहीं है, यहाँ पे ग्रे क्रीसेंट है, या मिसाल के तौर पे मैं इस तरह काट देता हूँ, ग्रे क्रीसेंट यहाँ पे है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो आगे डेवलप नहीं होगा, सिर्फ ये नीचे वाला हिस्सा जो है इससे कंप्लीट इंडिविजुअल बनेगा। तो इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ ना कुछ रीजन ऐसा है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रही होती है, सिर्फ न्यूक्लियस ही सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहा। लेकिन मसला यह है कि अगर तमाम सेल्स के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जैसी है, तो फिर कुछ सेल्स जो हैं वो मसल बना देते हैं, कुछ सेल्स नाखून बना देते हैं, कुछ सेल्स बाल बना रहे हैं, कोई लिवर बना रहा है, कोई इंटेस्टाइन बना रहा है, तो ये क्या चक्कर है? सबके अंदर सारी चीजें बनाने की इंफॉर्मेशन मौजूद है और सबके अंदर जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो फिर ऐसा क्यों है कि कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? तो इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि जब सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है, जीनोम तो सेम टू सेम आ रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो सेम नहीं आ रहा, किसी को साइटोप्लाज्म का कोई सा हिस्सा मिलेगा, किसी को साइटोप्लाज्म का कोई सा हिस्सा मिलेगा, तो ये जो साइटोप्लाज्म की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होती है। तो जिसके अंदर मिसाल के तौर पे एक रीजन गया है वो हो सकता है आपका नर्वस सिस्टम बनाए, किसी के अंदर साइटोप्लाज्म का दूसरा हिस्सा गया है तो वो दूसरा हिस्सा बनाए, या फिर एक और प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ सेल्स को, सेल्स जो हैं वो नेबरिंग सेल्स के अंदर जबरदस्ती उनको प्रमोट करते हैं कि तुम ये काम करो, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द वाले सेल्स को। तो ये कैसे होता है ये आगे चल के हम देखेंगे, पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म वाली जो हमने बात की है। तो ये चीज के साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा किसी जिस सेल को मिलता है वो उसके मुताबिक काम करता है, ये चीज बड़ी क्लियरली हमें नजर आती है। अक्सर एग्स के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म हमेशा एक जैसा बिल्कुल इवन नहीं होता, बल्कि साइटोप्लाज्म के कुछ हिस्सों के अंदर कोई मटेरियल मौजूद होता है और कुछ हिस्सों के अंदर कोई मटेरियल मौजूद होता है, और इनको हम कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। मॉर्फ आपको पता है, मॉर्फोलॉजी हम पहले पढ़ चुके हैं, मॉर्फ कहते हैं शक्ल को, जेनेटिक कहते हैं पैदा करना। तो मॉर्फोजेनेटिक का मतलब है कि ये डिफरेंट शक्ल यानी कि डिफरेंट किस्म के सेल्स बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, चीजें हैं, कंपाउंड्स हैं, और ये सेल के डिफरेंट हिस्से में मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एक बड़ा ऑरेंज से कलर का आपको हिस्सा नजर आ रहा है, ये जो है ये रिलेटिवली येलो कलर का हिस्सा है, इसके मुकाबले में यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है बड़ा क्लियर सा है। तो सेल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ चीजें जो हैं मॉर्फोजेनेटिक एलिमेंट्स या मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट जो हैं वो जमा हुए होते हैं, और जब ये सेल डिवाइड करता है तो क्या होता है कि किसी सेल के अंदर ये रेड वाला हिस्सा चला गया, किसी में येलो हिस्सा चला गया, फिर फर्दर डिवीजन हुई, फिर फर्दर डिवीजन हुई, ये डिवीजन होते होते इस सेल के अंदर बिल्कुल भी येलो हिस्सा नहीं आया, यहाँ पे जो सेल बना उसके अंदर ये येलो हिस्सा आ गया, ये वाले सेल में रेड हिस्सा आ गया, तो रेड वाले हिस्से वाला कोई और चीज बनाएगा, येलो हिस्से वाला कोई और चीज जाके बनाएगा, मिसाल के तौर पे ये आंख बनाएगा और ये जो है मसल बनाएगा और ये लिवर बनाएगा। तो इस तरह मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, और ये चीज बड़ी क्लियरली हमें नजर आती है। जो आपको एग मैंने दिखाया है ये है एसिडियन एग, या इनको हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं, कॉर्डेट्स का एक ग्रुप है। इनके अंदर जो एग है इसके साइटोप्लाज्म के डिफरेंट कलर्स होते हैं, और इसमें से ये जो क्लियर साइटोप्लाज्म वाला एरिया स्लाइड्स पे आपको नजर आ रहा है, इसने आगे चल के एपिडर्मिस बनानी है। इसके अलावा येलो कलर का जो रीजन नजर आ रहा है ये आगे चल के आपका मसल्स बनाएगा। इसी तरह ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म जो है ये गट बनाता है, और ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म जो है ये नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब बनाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से मुख्तलिफ रीजन्स जो हैं वो मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स बनाएंगे। तो बेशक सेल्स जो हैं वो आगे कंप्लीट कंप्लीट जीनोम फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने हर डॉटर सेल को, लेकिन साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ हिस्से मिल रहे हैं, हर हिस्से के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, और वो डिफरेंट कंपाउंड्स की बेस पे वो सेल जो है वो डिवाइड करेगा और अपने मुतालका काम करेगा। न्यूक्लियस क्या रोल प्ले कर रहा है सारे के अंदर, और न्यूक्लियस का भी कोई रोल है या नहीं है,
तो ये चीज हमने स्टडी की एक एलिमेंट्स एक प्लांट के अंदर, एक एलजी के अंदर जिसका नाम है एसिटेबुलेरिया। अब जीन्स जो है वो बेसिकली क्या करती हैं, जीन्स प्रोटीन्स बनवाती हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है उस डीएनए से प्रोटीन्स बनती हैं और ये प्रोटीन्स जो हैं वो आमतौर पे साइटोप्लाज्म में भेज दी जाती हैं, वहीं पे बनती हैं, वहां पे अपना सारा काम परफॉर्म कर रही होती हैं। तो ये प्रोटीन्स डेवलपमेंट के दौरान क्या रोल प्ले करती हैं, इसको हमने स्टडी किया एक एलजी के अंदर, मल्टीसेलुलर एलजी है जिसको एसिटेबुलेरिया कहते हैं। एसिटेबुलेरिया जो है ये बड़ी सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, इसकी एक राइजॉइड होती है, नीचे एक जड़नुमा स्ट्रक्चर होता है, बेस होती है, उसके ऊपर एक डंडी होती है स्टाक, और उसके ऊपर अम्ब्रेला की तरह का ये एक अम्ब्रेला शेप्ड कैप होता है। बस ये तीन चीजें होती हैं। एसिटेबुलेरिया की दो स्पीशीज हैं और इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, इनकी जो ऊपर कैप होती है उसका सिर्फ फर्क है, एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेनिया के अंदर जो कैप है ये बड़ा राउंड सा होता है, रेगुलर होता है, उसके मुकाबले में एसिटेबुलेरिया क्रेनुलेटा का जो कैप है ये इररेगुलर होता है, बेतरतीब सा टेढ़ा मेढ़ा सा कैप होता है। तो अब ये जो एसिटेबुलेरिया है इसके अंदर, बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, क्या होता है कि ये उसकी स्टाक है, ये नीचे उसकी राइजाइड है और इसके ऊपर यहाँ पे ये कैप था। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ यहाँ पर इसकी जड़ के अंदर मौजूद होता है, राइजॉइड के अंदर मौजूद होता है और इसके ऊपर कहीं पे न्यूक्लियस नहीं है, और यही न्यूक्लियस पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब आप क्या करें, अगर इस कैप को काट के फेंक दें तो थोड़े दिनों बाद यहाँ पे कैप एक नया उग जाता है। ये मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे मेडिटेरेनिया मेडिटेरेनिया दिखाई हुई है, इसकी यहाँ से आप काट के इसको थोड़े दिनों के लिए छोड़ें तो थोड़े अरसे बाद दोबारा से इसका कैप जो है वो वापस आ जाता है। उसके मुकाबले में अब क्या करें कि एसिटेबुलेरिया मेडिटेरेनिया का कैप उतारें और इसी तरह आप एसिटेबुलेरिया क्रेनुलेटा दोनों का हमने कैप उतार दिया। फिर हमने क्या किया कि हमने ये एक मेडिटेरेनिया की स्टाक सिर्फ डंडी उठा के इधर लगाई, जब डंडी लगा के इधर उठा दी है तो उस डंडी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है। अब आगे जब आप देखेंगे ग्रो करवाएंगे तो उसके नतीजे में जो ऊपर जो आएगा ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, सॉरी दोबारा से हम देखते हैं इसको, ये एक मेडिटेरेनिया है, इसके अंदर न्यूक्लियस जो है इसकी राइजोम में मौजूद है। अब क्या करें कि इसकी ये सिर्फ स्टाक को काट लें और स्टाक काट के इसकी राइजोम के ऊपर ग्राफ्ट कर दें, ये यहां से आपने इतनी इतनी स्टाक काटी और इसको काट के आपने इसकी राइजोम के ऊपर जोड़ दिया है। अब ये नीचे एक क्रेनुलेटा है और ऊपर इसकी स्टाक जो है वो ए मेडिटेरेनिया है। अब यहाँ पे ए मेडिटेरेनिया का टिश्यू है तो इसके ऊपर कैप जो लगना चाहिए वो भी ए मेडिटेरेनिया वाला लगना चाहिए, क्रेनुलेटा वाला नहीं लगना चाहिए। अगर तो साइटोप्लाज्म का रोल है तो ये साइटोप्लाज्म जो है वो ऊपर कैप को कंट्रोल करेगा, अगर न्यूक्लियस का रोल है तो ये जो नीचे न्यूक्लियस मौजूद है वो उसका रोल होगा। तो जब हम देखते हैं कैप जब बनती है तो वो एक्चुअली बनती है ए क्रेनुलेटा की, तो इससे पता लगता है कि ये जो नीचे न्यूक्लियस मौजूद था वो कंट्रोल कर रहा है करैक्टरिस्टिक्स को। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं डेवलपमेंट के दौरान में। न्यूक्लियस के अंदर वो जीन्स होती हैं जो के चीजें बनाती हैं, प्रोटीन्स बनवाती हैं, मसल्स की प्रोटीन बनाती हैं, आईज की, लिवर की और दूसरे ऑर्गन्स की प्रोटीन्स बनाती हैं। उसके मुकाबले में साइटोप्लाज्म ये डिटरमिन करता है कि न्यूक्लियस से कौन सी प्रोटीन्स बनवानी है। फिर इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो डेवलपमेंट के दौरान हो रहा होता है इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन के दौरान में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स, एग के साइटोप्लाज्म में, जाइगोट के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं और ये साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स जब डिवाइड होता है, जाइगोट क्लीविज डिविजन होती हैं, तो ये डिफरेंट डॉटर सेल्स के अंदर डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स जो है
वो भेजे जाते हैं और उसके मुताबिक इस जायगोट से इसके डॉटर जो डॉटर सेल्स के अंदर कोई खास कंपोनेंट आएगा वो रेड ब्लड सेल्स बनाएंगे, किसी के अंदर कोई कंपोनेंट आया तो उन्होंने स्मूथ मसल्स बना दिए, किसी के अंदर कोई कंपोनेंट आया तो उसने फैट बनाई। तो इस तरह कौन से कंपोनेंट इनहेरिट कर रहा है उसकी बेस पे डिफरेंट जो है वो सेल्स डिफरेंशिएट होके डिफरेंट किस्म के फंक्शंस बॉडी के अंदर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इन कंपोनेंट्स को साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो चीजें केमिकल्स मौजूद होते हैं इनको हम मॉर्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट्स कहते हैं और इनकी बेस पे सेल्स जो हैं वो डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं, वो कोई बोन बन जाता है, कोई ब्लड बन जाता है और इस डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने को, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने को हम स्पेशलाइजेशन या डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा हांस स्पीमन ने एक और भी एक्सपेरिमेंट किया था और उसके अंदर उसने क्या किया कि उसने एक एम्ब्रियो के ऊपर से एक्टोडर्म उतारी और उसको प्लेट में ग्रो करने की कोशिश की, तो उसने देखा कि वो ग्रो नहीं करता, प्लेट के अंदर जो अगर उसको रख दिया जाए तो वो ग्रो नहीं करता और जिस एम्ब्रियो के ऊपर से आप उसको उतार दें तो उस एम्ब्रियो के अंदर दोबारा नर्वस सिस्टम नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि आपने एक्टोडर्म क्योंकि उतार ही है तो उसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं बना, तो इसका मतलब है कि एक्टोडर्म जो है वो नर्वस सिस्टम बनाने में रोल है इसका। फिर उसने क्या किया कि उसने एक्टोडर्म उतारी, सॉरी एक टिश्यू एक एम्ब्रियो में से उसने एक्टोडर्म तो वहीं पे छोड़ दी, एक्टोडर्म के नीचे मीजोडर्म मौजूद थी, मीजोडर्म निकाल दी, एक्टोडर्म अपनी जगह पे रहने दी, तो उसने देखा कि दोबारा से उस टिश्यू के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं बन रहा। तो गर्चे एक्टोडर्म मौजूद है, एक्टोडर्म ने आगे चल के नर्वस सिस्टम बनाना था, तो अब गर्चे एक्टोडर्म मौजूद है लेकिन उसके बावजूद मीजोडर्म रिमूव करने से नर्वस सिस्टम नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि मीजोडर्म भी एक्टोडर्म को नर्वस सिस्टम बनाने में कोई ना कोई रोल प्ले करता है, मीजोडर्म भी नर्वस सिस्टम के बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे मीजोडर्म कहती है एक्टोडर्म के को कि तुम नर्वस सिस्टम बन जाओ, इस तरह की ये जो इन्वोक करना है एक्टोडर्म मीजोडर्म का, एक्टोडर्म को कहना कि तुम ये काम करो, इसको हम इंडक्शन का प्रोसेस कहते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट के दौरान में और ये काफ़ी कॉमन प्रोसेस है डेवलपमेंट के दौरान, बहुत सारी जगहों पे इंडक्शन हो रही होती है और इंडक्शन रिपोर्ट की थी सबसे पहले डिस्कवर की थी स्पीमैन और मैंगोल्ड ने 1924 में। एक और एक्सपेरिमेंट के दौरान में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये एम्ब्रियो का एक स्पेशल पोर्शन होता है जिसको हम डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर कहते हैं, ब्लास्टोपोर के ब्लास्टुला स्टेज में डॉर्सल साइड पे एक रीजन बनता है जिसको डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि ये डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बेसिकली जहां पे होता है वहां पे नर्वस सिस्टम बनता है, कमर की तरफ आपको पता है रीढ़ की हड्डी के अंदर आपका नर्वस सिस्टम मौजूद होता है डॉर्सल साइड पे, तो ये डॉर्सल साइड पे डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर नर्वस सिस्टम बनाता है। तो इन्होंने क्या किया कि एक एम्ब्रियो से डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर लिया और इसको दूसरे एम्ब्रियो की वेंट्रल पेट वाली साइड पे बना डाल लगा दिया। अब इन्होंने देखा कि जिस जगह पे इन्होंने डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर ट्रांसप्लांट किया था वहां पे नोटोकॉर्ड एक और नोटोकॉर्ड बनना शुरू हो गई, जहां पे उस एम्ब्रियो का अपना डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर था वहां पे तो नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब नर्वस सिस्टम वगैरह बने ही बने, जहां पे दूसरा डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर उन्होंने जोड़ा था वहां पे भी नए सिरे से डेवलपमेंट शुरू हो गई और इस तरह से दो जुड़े हुए एम्ब्रियो जो हैं वो पैदा हुए जिनके अपने अपने ये एक नर्वस सिस्टम यहाँ पे मौजूद है दूसरा नर्वस सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, जो ओरिजिनल था उसने अपना नर्वस सिस्टम बनाया है, जो ट्रांसप्लांटेड था उसने अपना नर्वस सिस्टम नया बनवा दिया है। तो इसका मतलब है कि ये डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जिस जगह पे भी मौजूद हो ये अपने इर्द गिर्द वाले सेल्स को कहता है कि तुम नर्वस सिस्टम बनाना शुरू कर दो, तो इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं और डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जो है इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, यानी कि ये सारी चीजों को एम्ब्रियो के अंदर चीजों को ऑर्गेनाइज करवाता है कि कहां पे कौन सी चीज बनानी है। जी आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, आज हमने स्टडी किया है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, डेवलपमेंट के प्रोसेस में बेसिकली जीन्स और साइटोप्लाज्म दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं,
डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में बहुत सारी जीन्स स्विच ऑन कर ली जाती हैं, बहुत सारी जीन्स को ऑफ कर दिया जाता है। जिस सेल को जो जो जीन्स की जरूरत होती है वो अपनी जरूरत के मुताबिक जीन्स को ऑन करता है, उनको इस्तेमाल करता है, गरचे उसके पास तमाम किस्म की जीन्स पहले से मौजूद होती हैं। इसके अलावा आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है इंडक्शन को। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन के दौरान में सेल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो इंड्यूस करवाते हैं दूसरे सेल्स को कि तुम ये काम करो। तो दूसरे सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन करवाने में भी जो है सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। थैंक यू।